हेलो जेमिनाइज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये वीक आपके लिए, कैसा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए। लेट अस सी, लेट अस सी, लेट अस सी। कौन सी अनहेल्दी आदत आपकी बढ़ती जा रही है? स्मोकिंग या सिगरेट, मेजोरिटी लोगों के लिए यही दो चीज लग रहा है। सॉरी, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बोलना चाह रही हूँ मैं। स्मोकिंग या ड्रिंकिंग में से कोई एक चीज लग रही मेजोरिटी लोगों के लिए। अभी आपको थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है इस वीक, तो आप ज्यादा कर रहे हो वो चीज, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो अनहेल्दी आप आदतों को, मतलब डेवलप तो है ही काफी लोगों के लिए जो देख रहे हैं इसमें से, बट आप उसको और बढ़ावा दे रहे हो। बिकॉज यू लाइक, हाँ स्ट्रेस हो रहा है, ये कर लेते और कर लेते, अच्छी चीज नहीं है, प्लीज प्लीज उसको कम कीजिए। इसके अलावा आप बहुत डिटरमाइंड हो कि मतलब आप तो कुछ भी हो, मेरे को आगे बढ़ना है, बहुत डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं। सॉरी, मेरे को गला खराब है और टॉन्सिल्स है, तो बीच में आवाज आए अगर, आई एम वेरी सॉरी। इसके अलावा बहुत ट्रैवल करने वाले हो इस वीक फॉर वॉट एवर रीजन। कुछ चीज देखनी है, परखनी है, पर्सनली जाके चेकआउट करना है, इस टाइप का आपका काम भी हो सकता है। एंड आई एम सीइंग दैट यू नो, आप इट्स गोइंग टू बी अ लॉट दिस वीक फॉर यू टू हैंडल, क्योंकि घर पे भी बहुत कुछ ऐसे हालात, सिचुएशंस या चीजें होने वाले जो आपका टाइम और अटेंशन मांगेंगे। एंड देन बाहर वर्क प्लेस में और आपके पर्सनल स्पेस में भी ऐसा कुछ अनअवॉइडेबल चीजें होने वाली कि जहां जैसे आपका प्रेजेंस लगने वाला है, तो आपको जाना पड़े, इस टाइप का चीज हो सकता है। तो आप उसमें भी बिजी रह सकते हैं इस वीक, तो थोड़ा सा ड्रेन हो सकते हैं, इट्स ओके, रेस्ट करो, अच्छे से सो बोलूंगी मैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि आप अपने इंट्यूशन की बात सुन रहे हो और बहुत ज्यादा मतलब क्लैरिटी से आगे बढ़ रहे हो, जो अच्छी बात है। क्योंकि इस वीक आपको बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लेने पड़ेंगे जो आपका एक अनफिल्टर्ड और अनबायस्ड ओपिनियन मांगते हैं, एंड यू आर दैट पर्सन कि किसको कुछ इशू होता है, लोग आपके पास आते हैं एंड देयर लाइक कि हमको ये चीज सॉर्ट करने में हेल्प कीजिए। तो आप बहुत बखूबी आप हेल्प करना लो, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं, ये एक चीज है। इसके अलावा यस, जो भी चीज आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे हित में होगा या नहीं, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। जो हमारा काटा होता है ना, बराबर एकदम फेयरनेस से चलेगा। मुझे नहीं लग रहा कि कोई चीटिंग और कोई क्या कहूँ मैं, जो ट्रिकरी करते हैं, फूलिंग वाली जो एनर्जी होती है, बेवकूफ बनाते हैं जो लोग, वैसा नहीं करेंगे। जो करते आए हैं वो भी अब सुधर गए फॉर सम रीजन। तो द वीक इज गोइंग टू बी वेरी नाइस फॉर यू, अच्छा लग रहा है, चीजें बैलेंस्ड लग रही हैं एंड ट्रूथ सामने आ रहा है। फॉर सम रीजन जो सच्चाई छुपी हुई थी, आपको बात नहीं पता चल रहा था कि क्यों हो रहा है ये, वो चीज सामने आती हुई लग रही है मेरे को। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है आपकी एट ऑफ वांड्स, सो यस, तीव्र गति से चीजें पॉजिटिवली आपकी तरफ आ रही हैं। ग्रेट 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 कार्ड्स फॉर यू, एक्शन पकड़ रहा है, जो चीज स्लोली हो रहा था वो इस वीक बहुत स्पीड में एक्शन पकड़ रहा है, स्पीड पकड़ रहा है बेसिकली, तो बेहतर होता जा रहा है। अभी हम ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए क्या है, दो कार्ड निकालेंगे हम, लेट अस सी कि क्या हो रहा है आपके लिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वेरी ट्रू, आपने जो सपना देखा है उस डायरेक्शन में आप काम मेहनत तो कर रहे हो, अब हिम्मत भी दिखाइए, विश्वास भी रखिए, अटल रहो कि यस ये चीज करेंगे हम, अचीव करके रहेंगे। एंड ये एक चीज लग रही है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आप जैसा कि मैंने कहा, आप ट्रैवल कर रहे हो या घर पे भी अगर कोई पॉइंट या कोई बात ओपनली बोलनी, आप सोच रहे हो कोई और बोलेगा, कोई और बोलेगा, या यू नो, आप कभी कभी आप ये चीज करते हो कि जब आप बुरे नहीं बनना चाहते हो तो आप दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाते हैं। तो ये वाला नेचर छोड़िए एंड बोल्ड बनो, एंड जो भी बोलना है या करना है, फर्स्ट मूव लेने के लिए रेडी रहिए। इट विल बी अ गुड वीक एंड गुड आउटकम्स फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज ईमेल मी ओवर देयर। थैंक यू, बाय।